नाउ लेट अस डिस्कस स्पीड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें स्पीड टाइम का रिलेशनशिप हो, उस टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए एंड बी आर टू पॉइंट्स 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ऑन अ हाईवे मतलब एक रोड है, उस पे दो पॉइंट्स हैं, पोजीशन है, बस स्टैंड है। मान लो दो बस स्टैंड हैं, एक बस स्टैंड ए है और एक बस स्टैंड बी है, ठीक है। टू कार्स स्टार्ट विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम। मतलब एक कार बस स्टैंड ए पे है और दूसरी कार बी पे है, और दोनों के दोनों सेम टाइम पे ही चलना शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। अब दो कंडीशन लिखा हुआ है यहां पर। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन अब सेम डायरेक्शन का मतलब ये मत सोच लेना कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब कि मान लो वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या मान लो वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, लेकिन पहले आप इमेजिन करो चीज को, अपने आप इमेजिन करो, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 15 आवर्स, तो वो 15 घंटे में मिल जाएंगे, ओवरटेक कर लेगा कोई एक दूसरे को। फिर लिखा है कि इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अब देखो यहां से क्लियर हो रहा है ना, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और तो दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो दे मीट इन 1 आवर, फाइंड देयर स्पीड्स, तो उसकी स्पीड क्या होगी। अब देखो हम इस बात को, वैसे तो हमें पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ही ये बात इमेजिन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में वर्ड से ही आपको इमेजिनेशन आ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है। बाकी मैं अभी इसको भी और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो डायग्राम बनाएंगे, एकदम ये सॉल्व हो जाएगा जो जो ये कह रहा है। कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो बस स्टैंड के बीच में गैप है, एक को मैंने पॉइंट ए माना, एक को मैंने बी माना। फिर क्या लिखा हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या है कि दो कार्स हैं ए पे बी पे, दोनों सेम टाइम पे शुरू करते हैं, सेम टाइम पे मतलब मान लो 3 बजे वो चलना शुरू करते हैं, कब कौन सी दिशा में। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो यहाँ पर एक कार है जिसको मैं कार ए बोलूँ और वो इधर जाते हैं, तो कार बी भी इधर जाता है, सेम डायरेक्शन तो यही होगा ना, कि मान लो इधर कोई जगह है तो दोनों के दोनों, ये पार्लियामेंट हाउस है तो दोनों के दोनों पार्लियामेंट हाउस की तरफ गए, तभी ना सेम डायरेक्शन होगा, ओके। तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो मिल जाते हैं कितनी देर में, 15 घंटे में। तो मान लेता हूँ कि ये दोनों कार मूव हो करके वो इस पॉइंट पे कहीं मिल जाते हैं, ए पी पॉइंट मान लेता हूँ, पी पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो मेरा 150 किलोमीटर ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा जितना कि बी ने ट्रैवल किया होगा, जितना कि बी ने ट्रैवल किया होगा, बी ने यहाँ से शुरू किया है ना और यहाँ से पी तक गया, तो जितना डिस्टेंस बी ट्रैवल करेगा उतना ही तो डिस्टेंस होगा। ये बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो अब इस बात को मैं यहाँ पर पॉज हो जाओ, रुक जाओ, अब मैं इधर लेफ्ट साइड कुछ करता हूँ और फिर देखो मैं दोनों कार की स्पीड को लेट कर लेता हूँ। लेट
द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी बी वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इस हिसाब से मैंने दोनों की स्पीड मान ली है। स्पीड जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है ना। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू में टाइम होता है। अब मैंने क्या बोला था अभी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, जितना कि बी ने ट्रेवल किया होगा। तो बी का स्पीड कितना है, वाई किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम चली है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो बी का स्पीड है वाई और टाइम लगा है ये फर्स्ट वाले केस में 15 घंटे, 15 घंटे में मूव कर जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 15y हो जाएगा, है ना। और कार ए भी एट द सेम टाइम चली रही थी, तो कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कार ए ने यहां से लेकर के पूरा यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और चली कितनी देर है, 15 घंटे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 15 × x। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया 15y और ये डिस्टेंस है हमारा 15x। अब हमें बनाना है इक्वेशन। तो ये जो डायग्राम बनाया है उसी से आप सोचो कि इन तीनों में ये 150, ये 15y और ये 15x, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ देखिए, ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से अगर मैं ये पार्ट माइनस कर दूँ, ये वाला हिस्सा, मतलब कि ये वाला हिस्सा, तो कितना बचना चाहिए, इतना ही तो बचेगा। और ये कितना है, 150। फिर से कि ये जो 15x है, ये टोटल डिस्टेंस में से अगर इतना पार्ट माइनस कर दिया जाए, इतना पार्ट मतलब 15y माइनस कर दिया जाए इस टोटल में से, तो कितना बचेगा, सिर्फ इतना ही पार्ट तो बचेगा, और ये कितना है, 150। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि 15y माइनस 15x, 15y माइनस सॉरी, टोटल में से माइनस करना है ना, टोटल कितना था, 15x, टोटल हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो 15x है। 15x में से वो जो छोटा पार्ट माइनस करेंगे 15y, तो दैट इज इक्वल टू 150। अब ये सिंपली सॉल्व होकर के कॉमन वगैरह आकर के सिंपलीफाई हो जाएगा, 15 को कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बचेगा 150, x माइनस वाई इक्वल्स 150 अपॉन में 15, 15 से 15 कैंसिल, दैट गिव्स अस 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप पॉज करके और थोड़ा इसको रिवाइज कर लो अभी, क्या मैंने समझाया। फिर सेकंड केस हम करते हैं। सेकंड केस में क्या बोलता है, और उसका जो ये जो हमारा मैप डायग्राम है वो अलग बनेगा। सेकंड केस पढ़ते हैं कि इफ़ दे मूव कहाँ से, हाँ यहाँ से, इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन का था, तो इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिल जाएंगे। चलो फिर देखते हैं क्या केस बनेगा कि हमारे पास फिर एक पॉइंट ए है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 150 किलोमीटर है, और मान लेते हैं गाड़ी यहाँ से इधर चलती है और एक गाड़ी कार यहाँ से यहाँ चलती है, और वो कहीं मिडल ऑफ द वे में कहीं पर बीच में कहीं मिल जाएगी, ऑब्वियसली बीच में कहीं मिलेगी, ये डिस्टेंस हमारा पी है। तो अब क्या रिलेशन निकालें, तो 1 घंटे में मिलती है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अगेन हमारे पास फार्मूला क्या है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इनटू में टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है, जो
एक कार जब इधर चलेगी तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, स्पीड ए का क्या था, एक्स था, टाइम कितना है वन, तो हम वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा एक्स किलोमीटर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमारा स्पीड कितना था वाई, इसमें टाइम कितना लगा है आने में वन आर, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा ना, जब घड़ी चल रही थी तो एक घंटे में कार ए पी पे पहुंची और उसी एक घंटे में कार बी भी पी पे पहुंची, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो हम डिस्टेंस ऐसे टाइम एक ले सकते हैं, तो ये हमारा इसका जो डिस्टेंस होगा हमारा वाई आ गया, तो यानी कि ये डिस्टेंस मेरा एक्स आ गया और ये डिस्टेंस मेरा वाई आ गया। अब क्या किया जा सकता है कि इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा ये, तो कितना आना चाहिए 150। अब ये जो क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना वो, और जो रिलेशनशिप्स दिए होते हैं वो, उनमें हमें कनेक्ट करना होता है कि कैसे उसको कनेक्ट करके हम इक्वेशंस बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर मिल गया के सेकंड क्या कि मैं x प्लस वाई यानी इन दो पार्ट्स को जब मैं ऐड करूँगा डिस्टेंसेस को तो वो 150 किलोमीटर के बराबर होगा। ये मेरा बन गया सेकंड इक्वेशन। ओके नाउ वी कैन सॉल्व देम। सॉल्व करना भी आसान ही है, आप दोनों इक्वेशंस को देखो, ये डायग्राम बनाना भी इम्पॉर्टेंट है और जो भी मैंने लिखा है ऊपर से नीचे तक वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम बनाना भी इम्पॉर्टेंट है और जो केस वन केस टू में लिख रहा हूँ वो सारा इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ के मार्क्स होंगे, तो डोंट इग्नोर एनीथिंग। नाउ वी कैन सॉल्व देम। आप देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, कोफिशियंट भी सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, तो हम इनको एडिंग करें, अगर एडिंग, होपफुली आपको आता होगा कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप किसी से भी कर लो अगर मेंशन नहीं है तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एक्स माइनस वाई इक्वल्स 10 एंड एक्स माइनस सॉरी प्लस वाई इक्वल्स 150। इफ यू सॉल्व इट वाई गेट्स कैंसिल, दिस इज 2x एंड ये बचता है हमारे पास 160। एक्स इक्वल्स 160 अपॉन में 2, 2 से 8 कैंसिल, 16 कैंसिल हुआ एंड दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 80 एंड दिस इज स्पीड है तो इसकी यूनिट हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। फिर हम इस x की वैल्यू को हम किसी में पुट कर सकते हैं, आपको पता होगा ये बात, बट हम सॉल्व कर देते हैं। पुट x इक्वल्स 80, थोड़ा अच्छा नहीं बना ये, इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर, नहीं तो मुझे पेज को ऊपर करना पड़ जाएगा। तो पुट करूँ अगर, तो x की जगह अगर मैं 80 पुट करूँ, देख लो ऊपर, तो ये 80 प्लस में y इक्वल्स 150, y इक्वल्स 150 माइनस 80 एंड y इक्वल्स कितना बचेगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब हमें लास्ट में रिपोर्टिंग करनी होती है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, वहाँ पर भी आधा एक नंबर इस बात का भी होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लैंग्वेज होगा, निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ कार्स, यही लिखा हुआ है ना, देख लूँ, फाइंड देयर स्पीड्स, तो हमें इंडिविजुअली मेंशन कर देते हैं। सो द स्पीड ऑफ कार ए जो कि x माना था हमने वो हो गया 80 किलोमीटर पर आवर और कार बी का वो हो गया हमारा 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसी लैंग्वेज पे, लैंग्वेज वाली, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम ही मैं बनाऊंगा, तो इसी के सीरीज़ में मैं लिंक देता रहूँगा, तो यू कैन कंटिन्यू टू वॉच।